लगाकर हरीशा, बरेली की बर्फी, शुभ मंगल, सावधान जैसी फिल्मों से लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाने वाले आयुष्मान खुराना एक बार फिर लोगों को दीवाना करने वाले हैं। जी हां, उनकी फिल्म बधाई हो आज थिएटर्स पर रिलीज हो गई है। जब से इस फिल्म का ट्रेलर सामने आया था तभी से इस फिल्म को देखने की एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। वही चलिए बताते हैं आपको कि ये फिल्म कैसी निकली। बात करें अगर सबसे पहले कहानी की तो इस फिल्म की कहानी घूमती है कौशिक परिवार के इर्द गिर्द। आयुष्मान ने नकुल नाम के लड़के का किरदार निभाया है जो स्वीटी नाम की लड़की से प्यार करता है। स्वीटी का किरदार दंगल गर्ल सानिया मल्होत्रा ने निभाया है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आयुष्मान की माँ प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बात को लेकर सोसाइटी के लोग कौशिक साहब का जमकर मजाक उड़ाते हैं। जहाँ एक तरफ ये फिल्म आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती है, वही एक ऐसा सोशल मैसेज भी देती है जो लोगों की आंखें खोल देगा। क्रिटिक्स का कहना है कि इस फिल्म के डायलॉग, स्टार्स की एक्टिंग, म्यूजिक सभी कमाल का है। आयुष्मान और सानिया की केमिस्ट्री भी देखने लायक है। वही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 4 स्टार्स दिए हैं। उनका कहना है कि अगर आप कॉमेडी फिल्मों के और आयुष्मान के फैन हो तो आप ये फिल्म जरूर देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें इस फिल्म का सीधा मुकाबला हो रहा है विपुल शाह के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म नमस्ते इंग्लैंड से। इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर नजर आने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि आयुष्मान की कॉमेडी फिल्म की जीत होती है या फिर अर्जुन परिणीति की लव स्टोरी की। वेल, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।